नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कई एक हफ्ते से मैं लगातार कई बार देख चुका, एक बड़ी सुंदर सी बस, उसके ऊपर अंजना ओम कश्यप जी, आज तक की पूरी टीम और गडकरी जी बखान कर रहे हैं मैंने ये हाईवे बनाया बंबई का, और वो बंबई की सड़कों पे वो बस घूमती हुई। लगभग एक घंटे का प्रोग्राम था, मैंने भी बड़े मंत्रमुग्ध भाव से देखा कि गडकरी जी काम क्या कर रहे हैं। सुनता रहा मैं कि कहानियां बता रहे थे, फिर दूसरे चैनल में मैंने बिल्कुल वही हालत देखी, गडकरी जी गडकरी जी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गडकरी जी अचानक सारे टीवी चैनलों पे प्रकट कैसे हो गए और घंटे घंटे भर का प्रोग्राम क्यों करने लगे। कहानी क्या है? ये तो कहानी पता थी, मोदी जी गडकरी को पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि कुछ सीटें कम रहेंगी तो गडकरी प्रधानमंत्री ना बन जाए। पहली लिस्ट में गडकरी का टिकट काटा, फिर लोग बात करने लगे कि गडकरी जी का काम काम काम। तो मुझे फिर याद आया कि दिल्ली में सड़क बनी थी द्वारका की, जिसको सोने की सड़क कहा गया, और उस सड़क पे गडकरी के भ्रष्टाचार की कहानियां, गडकरी के विभाग के भ्रष्टाचार की कहानियां सबके सामने आ गई। तो मुझे वो आज तक चैनल का एक घंटे का इंटरव्यू मैंने इसलिए देखा, मैंने कहा निश्चित रूप से ये रिपोर्टर पूछेंगे कि भैया गडकरी जी, ये बंबई के सुंदर सुंदर हाईवे तो ठीक है, लेकिन आपने दिल्ली में राजधानी में मोदी जी की नाक के नीचे, भारत सरकार के राष्ट्रपति की नाक के नीचे, यानी यहाँ पूरी सरकार बैठती हो, यहाँ देश का राष्ट्रपति बैठता हो, प्रधानमंत्री बैठता हो, सारे मंत्री बैठते हो, वहां हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे कर डाला? ये कौन सा जादू है? और फिर ये क्या मोदी की गारंटी वाली स्कीम यहाँ लागू नहीं होती है कि कोई सड़क 10 करोड़ रुपए किलोमीटर बन रही है वो 200-250 किलोमीटर बन जाए, और सरकारी आंकड़ा ही उसकी, सरकारी विभाग उसकी पोल खोल दे। फिर मुझे लगा ये आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल है, सवाल जरूर करेगा, लेकिन वहां तो अमूल बटर टाइप के सवाल हो रहे थे, मतलब जैसे मोदी जी से किए जाते हैं कि आपको आम काट के खाना पसंद है, चूस के खाना पसंद है, आप इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं, आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं। मुझे लगा कोई तो पूछेगा, अंजना जी का कभी तो जमीन जागेगा, गडकरी से पूछ लो कि ये भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ कैसे, नहीं पूछा। फिर मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली में मेरे एक मित्र मिले, उन्होंने बताया कि आजकल PR कंपनी को करोड़ों रुपए दे रहे हैं गडकरी जी कि उनकी थोड़े चेहरा वॉश बढ़िया कर दो, शाइनिंग कर दो। तो मैंने उससे पूछा कि आज तक को भी करोड़ों रुपए दिए गए होंगे बस में घुमा के इंटरव्यू करने के लिए? तो उसने कहा कि आपको पता ही नहीं है चैनलों को कितने करोड़ दिए जाते हैं इस तरह के प्रायोजित इंटरव्यू कराने के लिए। मैंने कहा भैया ये माल का धंधा अपने को समझ नहीं आता। फिर मैंने गडकरी के विभाग की पड़ताल करनी शुरू करी, मुझे लगा कौन आदमी ऐसा है जिसके पास ये जानकारी हो सकती। तो मुझे एक शख्स मिले, और जब उन्होंने गडकरी के विभाग के कारनामे सामने लाए, रिकॉर्डेड चीजें दिखाई, तो सच में मेरे होश फाकता हो गए। नितिन गडकरी के विभाग का भ्रष्टाचार इस तरह खुल खुल के बोलेगा, ये मैंने अंदाजा नहीं किया। तो मैं आज उस बहादुर शख्स से आपकी बातचीत कराना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर्वेश मिश्रा नाम है, और सांसद संजय सिंह के करीबी थे, तो ED ने इनके भी नोटिस वोटिस और तमाम इनके ऊपर भी की, जो सच बोलेगा उसका यही हाल होगा। लेकिन मेरा अनुरोध है ये पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, आपके पसीने आ जाएंगे, सोच नहीं सकते हैं जब गडकरी के विभाग का ये हाल है तो फिर मोदी के बाकी मंत्रियों की गारंटी क्या होगी। चलते हैं सर्वेश मिश्रा जी के पास, पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं आपको, और फिर मैं आपकी राय का इंतजार करूँगा। स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में सर्वेश जी आपका, और मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता से बात करूं, देखूं कि कितने भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं, दुर्दिन में फंसे हुए हैं। आप लोगों ने ऐसे काम क्यों किए कि दो दो नेता आपके जेल में हैं, तीसरा आपके मुख्यमंत्री जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं? आए थे आप लोग बड़ी साफ सफाई की बात करने वाले, शुचिता की बात करने वाले, ये कहाँ शराब और आपके धंधे में आप लोग लच के रह गए? शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का, और आज की वर्तमान राजनीति का परिदृश्य यह है कि जो भी लड़ेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, और लड़ेगा और तय किया है कि सरकार का विरोध करेगा तो जेल को समझ लीजिए। जेल तभी नहीं जाना पड़ेगा जब वो भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाए, इनके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, या किसी तरह भी सरकारें तोड़ने और जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी की मदद करे। आम आदमी पार्टी के दो दो नेता जेल में है, सत्येंद्र जैन BJP एंट्रीम बेल पे चल रहे हैं। हम सभी लोगों ने तय किया कि हम लड़ेंगे सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, देश में मची लूट के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ,
और इसलिए है और लड़ते रहेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा, उसमें आप परिणाम देखेंगे कि इस लड़ाई के लिए जनता हमें पसंद करेगी। धर्मेश भाई, जो जेल जाता है ना वो यही कहता है कि हम ईमानदारी के लिए जेल जा रहे हैं, हम लड़ाई करने के लिए जेल में जा रहे हैं। आप इतने ईमानदार हैं तो आपको जमानत अमानत क्यों नहीं मिल रही? आप लोग जेल में, आपके नेता क्यों इतने लंबे से समय से हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक तौर पे है जो पीएमएलए का कानून बनाया गया है। पीएमएलए में मैं भी रेगुलर बेल पे हूँ, मैं खुद स्वयं रेगुलर बेल पे हूँ। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जब सब जेल गए तो मैं क्यों नहीं जेल गया, मैं क्यों रेगुलर बेल हो गई। तमाम ऐसे सवाल हैं। और अगर जेल की बात आप कर रहे हैं तो एक ही केस में सीबीआई में 20 दिन में बेल मिल जा रही है, दूसरे में 1.5 साल तक बेल क्यों नहीं मिल रही है। तमाम ऐसे सामान्य समझ की चीजें हैं जिसको लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये कानून दूसरे कानूनों से बहुत ही अलग है और जानबूझ के सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। जिनका इस्तेमाल कुख्यात लोगों को पकड़ने के लिए था, जो कि ड्रग पेडलिंग और इस तरीके के धंधे में लिप्त हैं, उनका इस्तेमाल देश के विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए की जा रही है। सांसद संजय सिंह जैसे आवाजों को दबाने के लिए, मनीष सिसोदिया जैसे शानदार स्कूल बनाने वाले व्यक्ति की आवाजों को दबाने के लिए की जा रही है। तो ये देश में कानून का दुरुपयोग है और जनता इसका जवाब इनको देगी आने वाले चुनाव में। अच्छा सर्वेश भाई, आपको बड़ा मजा आया। आप तो संजय सिंह के बड़े करीबी माने जाते थे, संजय सिंह के बिल्कुल राइट हैंड थे, तो अब आपको समझ आ रहा है कि संजय सिंह का साथ कितना भारी पड़ा? देखिए, आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की क्या बात है, एक अच्छी बात है कि संजय भाई साहब के साथ जितने लोग रहते हैं वो जेल, थाना, पुलिस, मुकदमा सब चीजों के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जैसे हैं बड़े ओरिजिनल व्यक्ति हैं। तो जब किसी भी राजनीतिक संघर्ष करने वाले व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार से लड़ाई है तो उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। ईडी, सीबीआई, तमाम ऐसी चीजें हैं जो झेलना पड़ेगा। तो जब एक बड़ी लड़ाई में हम लोग निकले हैं तो आज जरूर हमें लग रहा है कि इस तरीके से सत्ता की लड़ाई है, कई बार मेंटली प्रेशर होता है, सब कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब एक बड़े पैमाने पर जाएंगे तो हम लोगों को सकारात्मक तौर पर लगेगा कैसे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी लड़ाइयों में सब झेलना पड़ता है। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, नारा लगता है अब की बार 400 पार, ये नारा डराता तो नहीं है आपको कि अब की बार इतने बुलंदी से प्रधानमंत्री आ रहे हैं? प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस देखिए, कहते हैं कि अब की बार 400 पार। पार्टी पूरी उत्साह से लबरेज है, उत्साह से भरी हुई है। आपकी पार्टी बिचारी अदालतों के चक्कर काट रही है, क्या रोक पाएंगे आप मोदी को 400 से नीचे आने में? क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो कहते हैं मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार। नहीं, अगर 400 पार जैसा माहौल रहता तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बौखलाई हुई तो नहीं होती। देश के ऐरू गैरू नत्थू खैरू कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात करे, भाजपा ही अपने लोगों को नहीं पूछते हैं, अपने सांसदों को नहीं पूछते हैं, दूसरा कोई बाहर से आ रहा उसको तवज्जो मिलती है खूब, आज वो आसमान पे है। दूसरी पार्टियों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे सांसदों विधायकों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी नहीं है। हवा हवाई दावे हैं, पूरी तरीके से मजबूती से विपक्ष लड़ रहा है, मजबूती से मुद्दे लड़ रहा है, बेरोजगारी लड़ रही है, महंगाई लड़ रही है, देश में हर तरफ इन्होंने जो त्राहिमाम फैला रखा है वो लड़ रहा है, जो सरासर झूठ की यूनिवर्सिटी इन्होंने फैला रखी है, सीधे साधे भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं, वो लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग बहुत ही परेशान है। बस क्या है, सरकार अपने तंत्र और अपने सिस्टम से हर एक वर्ग को डरा रही है, उनकी आवाजों को उठने नहीं दी जा रही। आप पत्रकार हैं, आपके साथी पत्रकार होंगे, कोई भी आप दो चार लोग तो ऐसे हैं, आप ऐसे खुद हैं जो बोल भी दे रहे हैं, देश में बोलने वाली आवाज बन चुके हैं, खुद संघर्षों से निकले। वरना तमाम आज के पत्रकार भी देखिए, मतलब या तो सरकार को उठा लीजिए, पत्रकार देखिए, सब एक ही तरीके से बोलते हैं। सिर्फ जनता ऊपर से, कई बार आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग बोल नहीं रहे, कि लोग बहुत परेशान और अपने वोट की ताकत से वो जवाब देंगे सरकार। देखिए, सरकार अपने काम दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देखो मैंने इतनी वंदे भारत ट्रेन चला दी, मैंने गांव किसानों की आमदनी बढ़ा दी, देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। उनके काम दिखाते हैं, उनके मंत्री अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, बाकायदा टीवी चैनलों पर दिख रहा है कि मंत्री काम कैसा कैसा कर रहे हैं। आपके पास कुछ है दिखाने को? उनके काम देखे कभी आपने, कितने शानदार काम कर रहे हैं वो लोग? नहीं, आप जरूर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के काम देखें। कोरोना के दौर में सैकड़ों ट्रेनें, एक एक दिन में 200-500 ट्रेनें बंद होती गईं, कई ट्रेनें ऐसी हैं जो आज भी शुरू नहीं हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने अब तक कुल मिला के 20 के लगभग वंदे भारत ट्रेन भारत में चलाई। अब तक 10 साल के शासन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की तो शुरुआत भी नहीं करी। और पार्लियामेंट में सांसद संजय सिंह जी का सवाल है, उस सवाल के जवाब में दिया, मैं आपको सवाल की वो कॉपी भी भेज दूंगा,
इस सवाल के जवाब में इन्होंने बताया है। सवाल क्या, पहले तो सवाल बताइए, सवाल क्या है? देखिए, हमने पूछा कि कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन आपने चलाई है, ये पिछले साल का सवाल है, एक साल पहले का, क्योंकि काफी समय से तो उनको सस्पेंड नहीं कर दिया गया है संसद के उसमें। खुद सरकार ने कहा कि 12 ट्रेनें अभी चल रही हैं, उसके बाद अभी योजना में हैं, 8 ट्रेनें कुछ समय पहले चली हैं, कुल मिला के 20 या 22 ट्रेनें चल रही। आप समझ रहे, भारत जैसे देश की क्या 22 ट्रेनों के नाम पे इस देश में कुछ भी हो सकता है? और वो भी इन वंदे भारत ट्रेन जो पहुंचने की दर है वो शताब्दी से मात्र 20-25 मिनट पहले क्लेम करते हैं आप, और वो भी आप समझिए किराया 1.5 गुना है, और वंदे भारत को चलाने के लिए उसको समय से पहुंचाने के लिए शताब्दी रोक दी जाती है और 4 ट्रेनें। तो देश में अव्यवस्था कैसे लाई जा सकती है, देश की जनता को मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है, इसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक उदाहरण है। वंदे भारत मैं कह तो रहा हूं, आप सोचिए 100-200-500 ट्रेन भी लेकर आए होते तो समझ में आता, हजारों ट्रेन जिसके बीच चलती हैं, चंद 20 ट्रेनें चलाकर आप ये कह रहे हैं कि मैंने देश के रेलवे के सिस्टम को बदल दिया। आप नई दिल्ली के रेलवे किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आप देखिए कैसे खचाखच ठूस के भरा पड़ा है, थर्ड एसी और सेकेंड एसी के हालात कैसे हो चुके हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आता हूं, हमारे यहाँ सीतामढ़ी से एक ट्रेन चलती है लिच्छवी एक्सप्रेस कहता हूं, 4 महीने लगातार कैंसिल रही है, 20 दिन पहले चलनी शुरू हुई है। ये मोदी सरकार का शासन है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को ये दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार का तोहफा है। गिनती की 2 ट्रेनें चलती हैं जो बक्सर और मतलब बक्सर बलिया होते हुए दिल्ली को पहुंचाए, और उन 2-2 ट्रेनें जो निरंतर चल रही है उसमें से एक मुख्य ट्रेन 3-3 महीने के लिए कैंसिल हो रही है, 3-3 4-4 महीने के, आप देख सकते हैं ऑनलाइन। आप भी कहां बक्सर बलिया की बात कर रहे हैं, देश बुलेट ट्रेन चलाने जा रहा है और आप बक्सर बलिया पे अटके हुए हैं। बुलेट ट्रेन चलेगी, दुनिया में नाम होगा, आप बक्सर बलिया पे अटके हुए हैं। अभी 10 साल से बुलेट ट्रेन तो पूरा देश ढूंढ रहा है, वो कह रहा है कि भाई कहां हो, कहीं मोदी जी पॉकेट वॉकेट में रखे हो, या हो सकता हो अडानी जी के घर पे चलती हो, कहीं पर्सनल किसी के यूज में आती हो। वो बता दें कि आखिर में किस तरफ चल रही है बुलेट ट्रेन, हम भी देखना चाहते हैं। मोदी जी आप पूरे देश में गारंटी देते जा रहे हो, आपने ये जो गारंटियां दिया 2 करोड़ रोजगार की कहाँ है, वो बुलेट ट्रेन कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है, ढूंढे कहाँ इसे हम, काला धन कहाँ है, क्या क्या है आप सोचिए। मतलब अभी मोदी जी का एक पत्र 4-4 दिनों पहले सबके मोबाइल पे घूम रहा है, मैं पूरे पत्र में पढ़ने लगा, मैंने भी पत्र खोला, मैंने कहा पत्र पढ़ लेता हूँ, विकसित भारत का उन्होंने पत्र भेजा, मैंने कहा ये पत्र पढ़ना तो बहुत जरूरी है। पूरे पत्र में मैं मोदी जी की गारंटी का नाम भूल गया, आखिर में वो ये पूरा पत्र आया। इस पूरे पत्र में मैं देखिए कहीं भी मोदी जी का बकायदा प्रधानमंत्री जी ने मुझे खत भेजा है, मुझे व्यक्तिगत भेजते हुए इन्होंने कहीं से नहीं दिखाया। इसमें कोई बात नहीं है नोटबंदी की, 2 करोड़ रोजगार की, काला धन लाने की, कहीं बात नहीं है बुलेट ट्रेन की, आखिर में कहां चले गए? ये कैसी गारंटी है कि आपकी गारंटी खुद भी आप याद नहीं रख रहे हो, आप कह रहे हो जनता याद रखे। आपने सर्वेश जी मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे लगा कि मोदी जी ने सिर्फ मुझे ही भेजा है खत, अब आपने भी दिखा दिया आपको भी भेजा है, अब जब वो आम आदमी पार्टी वालों को भी भेज रहे हैं तो मुझे लगा कि स्पेशली शायद मुझे ही भेजा होगा। मैं बड़ा खुश था कि मोदी जी का चिट्ठी आई है, लेकिन आपने दिखा दिया आपके पास भी आई है। लेकिन एक बात बताइए आपको देश में जो ये इतने हाईवे बढ़िया बढ़िया बन गए, ये सब दिखता नहीं है, विकास की बात आपको दिखती नहीं है कहीं पे भी? देखिए आज देश के हाईवे ऐसे हैं कि उस पे गाय और भैंस तो चल सकते हैं, लेकिन आम आदमी का चलना थोड़ा दुभर हो गया है हाईवे के नाम पे। दो दिन से गडकरी जी का मैं 3 दिन प्रोग्राम देख रहा हूँ, देख के हैरान हो गया हूँ। गडकरी जी एक शानदार मिनिस्टर हैं मोदी सरकार के, जिन्होंने देश भर में नेशनल हाईवे का जाल बिछा दिया, और आप उनकी भी आलोचना करने में लग गए। नहीं, देश में आलोचना की क्या बात है, मैं तो आपको सिर्फ वो आंकड़े रखना चाहता हूं जो कि संसद में इसी सरकार ने दिए हैं। मैं आपसे कुछ आंकड़ों की जिक्र करता हूं। एक संसद का एक सत्र है, उसमें हमने कुछ सवाल किए थे, सांसद संजय सिंह जी के माध्यम से सवाल किया गया था, 2453 नंबर का सवाल है, और 22/3/2023 को इसका जवाब दिया है राज्यसभा में। सवाल क्या था? ये सवाल में हमने पूछा है कि NHAI पे कर्ज कितना है, कितना कर्ज बढ़ा, और आखिर में NHAI पे जो कर्ज बढ़ता जा रहा है इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने जब प्रोजेक्ट एक ड्राफ्ट किया, आप पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि ये X अमाउंट की लागत आएगी,
जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो आप कहते हैं नहीं ये एक्स अमाउंट जो है एक्स इंटू टू में हो गया, दोगुना लागत में हो गया, ढाई गुना लागत में हो गया। जब इस देश की सभी परिस्थितियां आप जानते हैं, सभी चीजें जानते हैं, आज प्लानिंग इस स्तर पर जा चुकी है कि आप आज बैठे बैठे लोग शादी तक तय करते हैं तो देख लेते हैं, देखो भाई इस दिन बारिश तो नहीं होने वाली है। आप सामान्यतः देखिएगा लोग जब शादी तय करने जाते हैं तो वो भी देख लेते हैं कि अनुमान देख लो कहीं बारिश तो नहीं होने वाली है, ओपन कोर्ट यार्ड करूं या बैंकेट कर दूं या किस तरीके से करें। ऐसे दौर में सरकार के पास तमाम सुविधाएं, उसके बावजूद भी सरकार खुद पार्लियामेंट में कह रही है कि 173 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें देरी हुई और उनमें देरी और तमाम कारणों की वजह से लागत एनएचएआई की बढ़ गई। और खुद इसके जवाब में देखिए सरकार ने खुद कहा है, इसमें एक जवाब में एक लाइन है, द इंक्रीज इन डेब्ट फ्रॉम मार्च 2007 टू मार्च 2022 इज अराउंड 51%। डेढ़ गुना लागत गडकरी जी के विभाग में, आप गडकरी जी के विभाग में, गडकरी जी के विभाग का जवाब है ये, कहीं दूसरा नहीं। आपको सवाल की मैं कॉपी भी भेज देता हूं, आप इसको पढ़ेंगे और अपने दर्शकों को दिखा भी पाएंगे, बड़ा आसान सा रहेगा। मार्च 2017 से मार्च 2022 तक ऋण में लगभग 51% की वृद्धि हुई। आप 2017 में 50,000 करोड़ का लोन लिया गया, 2018-19 में 61,217 करोड़ का, 2019-20 में 74,987 करोड़ का, 2020-21 में 65,080 करोड़ का, 2021-22 में 76,150 करोड़ का। देश कोरोना से जूझ रहा था, देश महंगाई से जूझ रहा था, 71,000 करोड़ का लोन लिया जा रहा था। कुल तो मिलाकर लोन लेके तो काम किया होगा ना उन्होंने, सड़कें बनाई होंगी लोन लेके। आप समझिए, अब इसी टैक्टिक्स को समझने की जरूरत है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ही हमने एक दूसरा सवाल किया, क्योंकि हमें पता था कि देश की जनता को कैसे, भोली भाली जनता को किस तरीके से बताया जा रहा। इसमें हमने सवाल किया और हमने पूछा कि गत 5 वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कितनी निविदाओं में निविदा पश्चात संशोधन किए गए, तत्संबंधी निविदावार कंपनीवार ब्यौरा क्या है। अब देखिए इसके दो रिप्लाई हैं और दोनों लाइनें पढ़िएगा, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी आपको। सरकार ये कह रही है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं में निविदा के बाद कोई संशोधन नहीं किया जाता है। ये एक आपका जवाब हो गया। आप इसी के दूसरे पे आइए जो सी से लेके दूसरे में है, लेकिन ये कह रहे हैं जी नहीं, हालांकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी 2022 की रिपोर्ट संख्या 11/4/8/2022 को संसद में प्रस्तुत में एनएचआई द्वारा बीओटी परियोजनाओं में प्रीमियम के युक्तिकरण पर अन्य बातों के साथ साथ पैरा 3.2 में बताया कि एनएचआई में निविदा पश्चात संशोधनों का सहारा लेकर रियायत ग्राहियों को अनुचित लाभ दिया। ये रिपोर्ट में है, ये रिपोर्ट में, मैं इसको सवाल भेज दे रहा हूं आपको, ये आपके सवाल आपके मोबाइल पे। आपका कहना है कि इस रिपोर्ट में पार्लियामेंट के जवाब में ये कहा गया कि गडकरी जी के विभाग में टेंडर के बाद रेट बढ़ाकर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया, ये मैं सही भाषा बोल रहा हूँ? अब मैंने जो अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के बताया है, कोई इसमें अपने मुताबिक शब्द नहीं जोड़ा है। और ये बहुत बड़ा, आप सर्वेश जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं गडकरी जी के विभाग पर। मोदी का वो मंत्री जिसका चेहरा चमकता, छोड़िए मैं 3-4-5 दिन से देख रहा हूँ, आज तक मैं अंजना ओम कश्यप जी ट्रक के ऊपर बैठा के, ट्रक या बस जो भी है हाईफाई उसको बैठा के गडकरी जी को घुमा रही है हर जगह, वो बड़ा बढ़िया शो दिखा रहे हैं, हाईवे दिखा रहे हैं कि गडकरी जी के हाईवे कितने बढ़िया हैं। इसके अलावा दिखा रहे हैं बाकी चैनल पे, हर जगह जिधर देख रहा हूँ गडकरी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सब चैनल वाले क्या ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? आज मैं तो पार्लियामेंट का अनस्टार्टेड क्वेश्चन 3271 नंबर की बात कर रहा हूँ, जिसका 29/3/2013 को रिप्लाई दिया गया है और ये संसद की तरफ से एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट जो मिलता है, मैं आपको भेज भी दे रहा हूँ, अपने दर्शकों को भी दिखा दीजिएगा। ये मोदी सरकार का इसकी भाषा तो ये बता रही है कि टेंडर जो हुआ, मैं बिल्कुल देखिए हमारे सीधे साधे दर्शक होते हैं, कोई रिक्शा भी चलाते हैं, कोई 5-स्टार होटल भी बैठते हैं, मैं सीधी साधी भाषा में बात करूं कि 100 रुपए का टेंडर हुआ, 100 रुपए का टेंडर हुआ ये मोबाइल बनाने के लिए कि साहब ये मोबाइल 100 रुपए में बन जाएगा, टेंडर हो गया, मेरी कंपनी ने ले लिया।
फिर इसी का रेट बढ़ा के 150-200 रुपए कर दिया गया जब मैं काम कर रहा था। यही हुआ ना, मतलब आपका कहने का मतलब यही है ना, यही जवाब है ना। आप पूरी तरीके से देखिए, सीधी सी बात है कि कोई एक टेंडर किया जा रहा है और उस टेंडर की जो लागत है वो लागत अलग अलग चीजों की वजह से उसके जो शुरुआत की लागत है और जो पूरी करने की लागत है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से भी कई कई अनियमितताओं की बात इसमें खुद जो कैग की रिपोर्ट में बात की गई, जो पार्लियामेंट में टेबल की गई है, उस टेबल की भी रिपोर्ट की बात है। इसमें एक और भी जो सवाल हमने किया था, इसमें बकायदा सरकार ने वो डेटा दिया है, ये देखिए आप स्क्रॉल करते जाएंगे, ये पूरे 50 पन्ने का डेटा है। ये क्या किस प्रदेश, ये किस प्रदेश में कौन सी कौन सा राजमार्ग बना और उसके बनने में क्यों देरी हुई और उसके देरी की वजह क्या, ये सब आगे मार्ग है। देखिए ये पीले से निशान है, देखिए देखिए सरकार द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा भी गया है ठेकेदार के मामले की वजह से देरी हुई, अन्य मामलों की वजह से देरी हुई, उपयोगिता सुविधाओं के स्थानांतरण की वजह से देरी हुई, प्राकृतिक आपदा की वजह से देरी हुई, सबका मेंशन्ड है बकायदा। ये तो आपने आज ऐसा खुलासा कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि जो आप बात आप मुझे बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, तो फिर ये जो इतने बड़े बड़े चैनल हैं, ये जो बातें बता रहे हैं कि बस खड़े हुए हैं गडकरी जी हाईवे मुंबई के दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये क्या पीआर है, मतलब धंधा है, ये पैसा दे के खेल है चैनलों पर? देखिए असलियत तो इसकी मेघा इंजीनियरिंग से पूछनी पड़ेगी आपको अंदर की क्या। मैं तो आपको जो संसद के अंदर हमने सवाल पूछा, जो सवाल का रिप्लाई आया, और उस सवाल का रिप्लाई भी ऐसा नहीं कि आप खुद माननीय गडकरी जी के यहाँ से आया, और बकायदा बहुत अच्छे तरीके से आया। ऐसा लग रहा है कि वाकई इस तरीके से अगर चीजें हो, बकायदा चार्ट बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, कितने का टेंडर है, कितने किलोमीटर का टेंडर है, उसके अलावा इस टेंडर में इस टेंडर का स्टेटस क्या है, अगर निर्माणाधीन है तो इसमें देरी की वजह क्या है, बकायदा चार्ट बना के है। कोई ऐसा भी नहीं कि अलग अलग, मतलब एक सरकारी आंकड़ा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। ये आप देखिए कि देश में कैसे मोदी सरकार किस तरीके से लोगों को गफलत में डाल रही है। अब देखिए आप जब आप मेघा इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों को लाएंगे, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे, और उनसे बॉन्ड लेंगे तो निश्चित तौर पर अगर वो कहेंगे कि मेरे फ्लाईओवर का दाम बढ़ गया आप बढ़ाओ, तो आप घटा नहीं पाओगे। आप उनसे, एक दिल्ली की सरकार है, हम फ्लाईओवर बनाते हैं तो 100-100 करोड़ रुपए बचा दे रहे हैं, हम टेंडर की कॉस्ट कम कर दे रहे हैं, आप में क्या है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। आपको खुद कैग जो सरकारी संस्था वो खुद लिख के दे रही है, आप खुद लिख के दे रहे हो कि क्या क्या वजहें हैं, मतलब 173 के तकरीबन सड़क, एक साल पहले का मैं आपको लगभग एक साल पहले का वो डेटा बता रहा हूं, जिसकी वजह से 173 सड़कों के दाम बढ़े, मतलब उनमें सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ा, परियोजनाओं में देरी हुई, 173 परियोजनाओं में देरी चल रही है, और कहीं ना कहीं से आप कह रहे हो कि देरी वजह है, ये वजह है, वो वजह है, जिनकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो ये सरकार की लैक ऑफ प्लानिंग है, और ऐसे लूप होल्स का इस्तेमाल करके ही सरकार पूरे देश में बहुत ही बड़े तरीके का व्यापक भ्रष्टाचार कर रही है। अदरवाइज मेघा इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां सरकार का इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लेंगी? अदरवाइज आप खुद समझिए, जिन कंपनियों का फायदा 100-100 करोड़ है, वो 300-300 करोड़ आपको डोनेट क्यों करेंगे? जब आप इस तरीके का कार्य करते होंगे तभी होगा, निश्चित तौर पे हमारा शक जाना लाजमी है, हम संदेह तो करेंगे और जनता भुगत रही है। मैं आपको बताऊं सर्वेश जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे लग रहा है कि मैंने बेकार आपका इंटरव्यू किया। कभी कभी आदमी के भ्रम टूटते हैं ना, उसको दुख होता है। मेरे को नितिन गडकरी की इमेज बड़ी अच्छी थी कि यार कम से कम एक मंत्री तो ऐसा है जो काम करता है और जो काम दिखा रहा है अपना। लेकिन आज आपने ये जो आंकड़े निकाले हैं भ्रष्टाचार के, गडकरी के विभाग के, सच में मुझे दिल दुखा। मुझे लगा कि कुछ है भी सही, या सब कुछ गारंटियां हैं, ऐसी फर्जी गारंटियां हर नेता की। नहीं देखिए, लोगों के टैक्स के पैसे से ये सड़कें बन रही हैं, राजमार्ग बन रहा है, आप लगातार कर्ज पे कर्ज बढ़ाए जा रहे हैं और लोगों का टोल इतना बढ़ाया जा रहा है। आप किसी टोल पे खड़े होके जाइए, देखिए जो गरीब आदमी है, जो छोटी गाड़ियों से चलता है, जो किराए की गाड़ियां हैं, वो लोग बड़े राजमार्गों से जाना नहीं पसंद करते हैं। क्या हम सिर्फ अमीरों का देश बना रहे हैं? आप खुद कई के अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं अभी पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी है, जब पैसे देखे मैंने, मेरी दिमाग उड़ गया कि आखिर में क्या अमीर लोग ही चलेंगे? आप उनकी रियायत भरे दाम रखिए। आप जब जनता के टैक्स के पैसे से ही कर्ज ले रहे हैं, तो आप सिर्फ कार पे चलने वाले और लग्जरी गाड़ी पे चलने वाले लोगों के लिए क्यों करेंगे? भाई देश की जनता कह रही है आप सड़कें बनाइए तो सुविधा तो दीजिए।
अगर गाय भैंसे सड़क पे चल सकती हैं तो इंसान के चलने में दिक्कत क्या है? आप अभी मुंबई में आपने इतना बड़ा राजमार्ग लॉन्च किया, उसका किराया देखिए किस तरीके से, दो बार आदमी को अपडाउन करना है तो सोचना पड़ेगा, कह के नहीं भाई इस रास्ते पे मत जाओ। तो पूरे देश की जनता को देखना चाहिए कि कैसे मोदी सरकार हर एक मामले में ये और इनके मंत्री कैसे हर एक मामले में जनता को गफलत में डाल रहे हैं। 20 वंदे भारत चला के आप रेलवे में बहुत बड़ा सर्वे जी, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप दिल्ली में रहते हैं, मीडिया के लगातार संपर्क में रहते हैं, हर जगह आपके सोर्स आप पावरफुल इंसान है संपर्कों के मामले में। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश की जनता जो चैनल देख रही है, जो मैंने पहले सवाल किया, एक एक दो दो घंटे का प्रोग्राम मैंने देखा, गडकरी का वो प्रोग्राम देखा, फिर दो दिन बाद फिर वही प्रोग्राम देखा, चार दिन बाद मैंने फिर वो देखा कि बस के ऊपर अंजना ओम कश्यप और सारी टीम आज तक की खड़ी हुई है, बाकी चैनल में भी ये सेम चीज देखी और गडकरी जी खड़े हुए हैं, गडकरी जी बखान कर रहे हैं, एक एक घंटे चल रहा है। तो क्या ये कार्यक्रम क्या बहुत बड़ी रकम लेके चलाए जाते हैं टीवी चैनलों पे? क्योंकि जनता तो जो देख रहा सच समझ रही होगी, आपके जैसे बोलने वालों को दिखाते नहीं है आज तक, तो कोई बुला के आपको गडकरी जी की ये कहानियां तो आज तक पूछेगा नहीं, देश का कोई गोदी मीडिया चैनल पूछेगा नहीं, हम जैसे लोग हैं जो आपकी बात सुनेंगे दर्शकों तक बिना कटिंग के जो आप बोल रहे हैं ऐसी हम बात पहुंचा देंगे, हम कोई कांट छांट नहीं करते, ये 4PM की गारंटी है, मोदी वाली गारंटी नहीं है, असली वाली गारंटी है, आप जो बोलेंगे यथावत पहुंचेगा दर्शकों तक। तो मुझे बताइए ये खेल क्या है जो मैं चैनल पे एक एक दो दो घंटे के गडकरी जी की कथाएं सुन रहा हूं? क्या करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इस सब चीजों के पीछे? निश्चित तौर पे गोदी मीडिया का बहुत बड़ा होल्ड है, और मोदी सरकार को जब दिखाने के लिए कुछ भी कहीं काम नहीं है तो उनको ये दिख रहा है कि ये एक डिजाइंड मॉडल है, ये इनका है, ये दिखा दो। जब संसद के अंदर माननीय नितिन गडकरी जी खुद ये कह रहे हैं कि मैंने ये कॉस्टिंग में सड़क को बनानी थी और मैंने मेघा इंजीनियरिंग को बहुत कम में दे दिया, तो भाई जनता तो सवाल करेगी ना कि ये जो आपने जो कम कह रहे हैं ये भी जनता के लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप खुद अगर कैग की रिपोर्ट ये कह रही है कि देरी की वजह से खर्चे बढ़े, कई इसका मतलब लैक ऑफ प्लानिंग कहीं ना कहीं सरकार की रही है, कई ऐसे मामले रहे हैं, 51% का कर्ज बढ़ा जिस तरीके से बात हो रही है कि आखिर में कर, तो आप, और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता दूं, आप एक बहुत बड़ा और डेटा पे जाइएगा, पब्लिक थोड़ा रिसर्च कम करती है, जानती कम है, तो मैं बता दूं आप थोड़ा 2000 उस समय जब हम ये ड्राफ्ट करा रहे थे तो हमने देखा एवरेज कलेक्शन टोल का इंडिया में क्या है, एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। या आप कह रहे हैं टोल से कमाई ये सब चीजें हैं, एक एक बड़े बड़े, पहली बात तो आप देखिए टोल की भी हमारी नीति क्या है। पंजाब में हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अब तक 9 ऐसे टोल हैं, टोल प्लाजा, जिनको मान साहब जाके फीता काट के बंद करते हैं। दूसरी सरकारें क्या करती हैं? फीता काट के उद्घाटन करती हैं, ये नई सड़क, नया टोल प्लाजा। हमारी सरकार क्या करती है? हम प्रोग्राम कराते हैं, लोगों को बनाते हैं, हम फीता काटने के कहते हैं लो आज से किसी का टोल नहीं लगेगा, सब आओ सब जाओ, जीरो नॉन टोल प्लाजा हमने बंद किए। 2022 में जब हम इन आंकड़ों पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि एक एक दिन का, 2022 की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा उसके आगे और जाएगा, अब चीजें और बढ़ गई हैं, 134 करोड़ पर डे का टोल कलेक्शन इंडिया में था, हाईएस्ट कलेक्शन 150 करोड़ गया था, आप सोचते जाइए। ये भी बड़ा स्कैंडल है, मैं दिन का कह रहा हूं, आप आंकड़े लिख नहीं पाएंगे, मैं दिन वाइज कह रहा हूं, आप साल में भी मत जाइए। ये आपने टोल की बात करी, मैंने उत्तर प्रदेश में मेरे को जानकारी में आया जब वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे था, सरकार बनी और जो उसके बाद जो शुरुआत होनी थी, तो हमारे यहाँ बहुत बड़े काबिल अफसर हैं, अवनीश अवस्थी जी आजकल मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री जी की विचारों की बैंड बजाने में उनका बड़ा भारी योगदान रहा है, तो अवनीश अवस्थी साहब ने एक कंपनी को, आगरा की एक कंपनी को, बिना टेंडर के टोल वसूलने का काम दे दिया। बाद में पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की कंपनी थी, तो तब मुझे पता चला कि टोल का करोड़ों का खेल कैसा होता है। लेकिन मैं आखिर में एक दो बात चीज आपसे बात करना चाहूंगा, ढीले आप लोग भी हैं, दिल्ली में द्वारका की एक सड़क बनी जिसे कहा गया सोने की सड़क। नहीं मैं अभी तो उस पे आ रहा हूँ, अभी आइए उस पे, हमने अभी मैं उस पे, मैं बस आपको उसी की जानकारी दे रहा था, वहीं तक आ रहा था, क्योंकि वो भी कैग से रिलेटेड। अब मैंने कहा आपको किस तरीके से रोजाना 150 करोड़ रुपए रोजाना टोल प्लाजा से कलेक्शन इस समय है, फास्ट टैग का सिस्टम आने की वजह से टोल का कलेक्शन रूटीन वाइज पता भी चल रहा है, जिस तरीके से उसमें भी भारी अनियमितता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई गरीब आदमी गलती से टोल प्लाजा पर चला गया, फास्ट टैग नहीं लगवाया है, तो दोगुना पैसा सरकार मांगती है, मतलब सरकार कहती है कि रूटीन आते जाते रहो हमारे ऊपर, एक दिन के लिए नहीं आ सकते, वो एक अलग
बहुत ही अलग बात है, उसमें मैं ले जाऊंगा। अभी मैं उस द्वारका के फ्लाईओवर की आपको बात करता हूं, जिसकी पर किलोमीटर की लागत 18 करोड़ थी। 18 करोड़ मतलब आप समझिए, और जिसको बढ़ा के 250 करोड़ लेके चला गया। 250 करोड़ कैग की रिपोर्ट कहती है कि बताइए कहां 20 करोड़ के लगभग, कहां 250 करोड़ के लगभग। मतलब अनियमितताओं की बात सरकार ने खुद की कि कैसे कई गुना दाम पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे बढ़ा दाम बढ़ा दिए गए। उसमें एक इनके ब्यूरोक्रेट के बेटे भी आए जो डायरेक्टर थे, जो इनको पता चला कि भाई जो जमीन औने पौने दाम पे थी उनका मुआवजा कई गुना मिला उनको। ऐसे कई क्या है, पूरा तंत्र धीरे धीरे खुलता है इनका, क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में लेके एजेंसियों को लोगों को डरा रखा है। द्वारका की वो सोने की सड़क, आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता सब लोग गए, विधायक गए, और उन्होंने कहा देखे जो सड़क है सामान्य सड़क नहीं है, ये सोने की सड़क है। अभी तक खैर वो चालू नहीं हुआ है, लेकिन आप खुद सोचिए 18 करोड़ कहां और कहां 250 करोड़। मतलब जिस तरीके से लागत बढ़ती है, इसका मतलब लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तमाम ऐसी चीजें जिनकी वजह से बढ़ा होगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरीके के करप्शन है जो मुझे बताइए सर्वेश जी, ऐसे भ्रष्टाचार, चूंकि गडकरी जी को चेहरा बना रही है मोदी सरकार, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कैग की रिपोर्ट जारी कराने के पीछे मोदी जी की टीम थी, क्योंकि मोदी जी गडकरी को पसंद नहीं करते, सब जानते हैं। गडकरी का पहली लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर सीटें कम रह गई तो गडकरी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसी बातें आती रहती हैं। लेकिन गडकरी के विभाग का भ्रष्टाचार का ये बिल्कुल नंगा नाच जो आपने सामने रखा, आम आदमी पार्टी को बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए कि ये गडकरी जी के विभाग के भ्रष्टाचार की वो कहानी है जो आज तक देश के सामने नहीं आई। एक तरफ ये न्यूज चैनल जो एक घंटे घुमा रहे हैं गडकरी जी को दिखा रहे हैं, तो गडकरी जी को समझ में आएगा ना कि भैया एक तरफ गोदी मीडिया के चैनल और एक तरफ ये पार्टी है जो हमारा सारा कच्चा चिट्ठा अभिलेखों के संग रिकॉर्ड के संग ला रहे हैं, और आपके अभिलेख तो साबित कर रहे हैं कि मोदी सरकार के मिनिस्टर्स में गडकरी का भ्रष्टाचार में, अगर ये कागज सही है जैसा आप बता रहे हैं पार्लियामेंट में है, तो भ्रष्टाचार में गडकरी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उनके कच्चे चिट्ठे हैं जिनको मोदी जी की सरकार में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा काम हुआ, सबसे तेजी से काम हुआ, सबसे बड़ा काम हुआ, सबसे अच्छा काम हुआ, वहां की एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। और सोने की सड़क ये आम आदमी पार्टी ने ही पूरे देश को दिखाया है कि देखो आओ सोने की सड़क देखो। तो हमने तो जहां जहां भी जनता से खुली लूट करते हैं हम बताते हैं, इनको हमने बताया कैसे फ्लाईओवर के बनाने में कॉस्टिंग कम की जा सकती है, इनको हमने बताया कैसे पंजाब में सरकार बनते ही टोल प्लाजा माफ किए जा सकते हैं। आपको पर डे एक एक टोल प्लाजा से रेवेन्यू 6-6 लाख, 8-8 लाख, 20-20 लाख था, सामान्य जनता पे समझिए कितना ज्यादा होगा। जो लोकल लोग रह रहे होंगे, जिनके खेतों की जमीन लेकर आपने वो सड़क बनाई, उनको भी आने जाने के लिए 100-100 रुपए देने पड़ रहे थे। आप समझिए दुर्भाग्य है, एक लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। जब इन टोल प्लाजा को हम बंद करते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो आम आदमी पार्टी एक तरफ काम करके भी दिखा रही है कि कैसे हम देखिए स्मूथ कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम सोने की सड़क भी दिखा रहे हैं, तीसरी तरफ हमारे सांसद संजय सिंह जी का सवाल संसद का, आप सोचिए कि 2021 और 22 में हमें सवाल पूछ रहे हैं, तो हम खुद भी तो हमारे जो नेता है वो कितना आगे बढ़ चढ़ कर वो देख रहे हैं कि देखो इन परियोजनाओं की असलियत क्या है, देश में इनके नाम पे गुमराह क्यों किया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि हमने ये बना दिया हमने वो बना दिया। तो ये सब आम आदमी पार्टी लगातार ये कर रही है, देश हित में कर रही है, और मोदी सरकार के चेहरे को खोल रही है कि देखो आपके चेहरे पे इस तरीके से ये एक तरह का अधियारा छटा हुआ है। बहुत मजा आया आपसे बात करके, शुक्रिया सर्वेश जी, आप इस तरह के रिकॉर्ड इकट्ठे करते रहिए, मेरा वादा है हम ये सारे अभिलेख जनता के सामने लेकर जाएंगे। पैसा जनता का है, सरकार जनता की है, किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, कितना ही जुर्म करें कोई, कितनी जाति करें, लेकिन लोग सच बोलने वाले खड़े होते हैं। इन सब रिकॉर्ड को हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर्वेश जी। सुना आपने क्या हाल है देश में, जो टोल प्लाजा बने हैं वहां की कीमतें इतनी बढ़ी हैं कि गरीब उन पर चलने की सोच नहीं सकता। ये देश में सच में अमीरों की सरकार है, 5% लोग देश चला रहे हैं, इन हाईवे को देखकर समझ आता है। आप और मैं जिन सड़कों पर चलते हैं, गांव देहात के लोग जिन सड़कों पर चलते हैं, वो कितनी टूटी फूटी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गारंटियां ऐसी होती हैं, आजकल फिर गारंटियां ऐसी दी जा रही हैं,
तय आपको करना है कि आपको करना क्या है। बस मुझे बताते रहिएगा, चैनल को प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।